नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट की फीस कितनी लगती है। पासपोर्ट की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पर डायरेक्ट चेक करेंगे, इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करेंगे भाई, डायरेक्ट हम पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगर आपको खुद से चेक करना होगा तो आप किस तरीके से चेक करेंगे और इसका प्रोसीजर क्या है पूरा इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सिंपली आपको जो पासपोर्ट की वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है, होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करेगा फीस कैलकुलेटर का। यहाँ पर आप देख सकते हो फीस कैलकुलेटर का है, तो इसके ऊपर सिंपली आपको फीस कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से दे रहा है सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में हम पासपोर्ट का ले लेते हैं, टाइप ऑफ सर्विस में हम फ्रेश लेते हैं और एप्लीकेंट की जो एज है अगर 18 से ऊपर है उसका चेक करते हैं, कितने पेज का अगर उसको पासपोर्ट चाहिए 36 पेज का, रिक्वायर्ड स्कीम क्या है नॉर्मल में कैलकुलेट फीस करते हैं। तो देखो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करते हो नॉर्मल कैटेगरी में 36 पेज के लिए तो उसका रेट आपका लगेगा 1500 रुपये। अब अगर इसका हम 60 पेज का कर देते हैं नॉर्मल की कैटेगरी में तो उसका प्राइस है 2000 रुपये, मतलब भाई देखो रेट बढ़ गया। और अगर इसी को हम तत्काल में करते हैं और ये 36 पेज का रहता है तो इसका प्राइस 3500 रुपये, और अगर इसको हम 60 पेजेस का कर देते हैं तत्काल में तो 4000 रुपये। सिंपली मतलब है कि नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करोगे तो उसका जो चार्ज लगेगा वो है 1500 रुपये 36 पेज का, और अगर आप उसी को 60 पेज का यूज करते हो मतलब चाहिए अगर आपको तो 500 रुपये एक्स्ट्रा 2000 रुपये। तत्काल में जाते हो तो तत्काल का जो चार्ज है 3500 रुपये और अगर उसमें 60 पेज में जाते हो तो उसका चार्ज आ जाएगा 4000 रुपये। ठीक है, ये तो ये कैटेगरी का हो गया और इसमें नॉर्मल तत्काल में हो गया। अब यहाँ से फ्रेश पासपोर्ट को हटा के हम री इशू में आते हैं और यहाँ पर 18 एज ही रहने देते हैं और वैलिडिटी एक्सपायर होगी। ये मान लो अगर एक्सपायर वैलिडिटी में 36 पेज का हम नॉर्मल कैटेगरी में चेक करते हैं तो इसकी फीस भी 1500 है, तत्काल की कैटेगरी में इसकी फीस 3500 है, मतलब सेम बराबर बराबर है, चाहे फ्रेश में अप्लाई करो चाहे इशू में अप्लाई करो। अब यहाँ से हम ECR टू ECNR में हम चेक करते हैं नॉर्मल कैटेगरी में, देखते हैं मतलब सेम फीस रहती है अलग रहती है, सेम फीस है भाई, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर पासपोर्ट खो गया है चोरी हो गया है तो उस केस में जो है देखते हैं 36 पेज में कितना लगता है फीस, 1500 रुपये चार्ज है, कोई ज़्यादा नहीं है, तत्काल में वही 3500 रुपये, कोई भी ज़्यादा नहीं है भाई। और अब हम बात करते हैं जिनकी एज जो है ना 18 साल से कम है और 15 और 18 के बीच वालों का पहले चेक करते हैं, जिनकी एज 15 से 18 के बीच में है और उनका पासपोर्ट भाई फ्रेश में हम चेक करते हैं, फ्रेश पासपोर्ट है, वैलिडिटी हम 5 साल का चेक करते हैं नॉर्मल कैटेगरी में 1000 रुपये फीस है, सही है, और तत्काल की कैटेगरी में इनकी फीस जो है 3000 रुपये है, मतलब ठीक है भाई 500 रुपये कम है हर जगह जिनकी एज 15 से 18 साल है। अब हम चेक करते हैं जिनकी 15 साल से एज कम है उनका जो है फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल की कैटेगरी में कितना फीस है, 1000 रुपये, वही सेम जिनके जिन 15 से 18 वालों की जितनी है और 15 से कम में रहेगा तब भी सेम फीस है, सेम फीस है भाई 3000 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है। अब इनका री इशू में हम चेक करते हैं जो 15 साल के बच्चे हैं उनका, ठीक है तत्काल में 3000 रुपये बराबर है भाई, कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सपायरी वाले में चेक करते हैं, इसमें भी 3000 रुपये, नॉर्मल में चेक करते हैं फीस ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ से आप जो है ना फीस कैलकुलेट कर सकते हो, आप किसी और के चक्कर मत रहो कि हाँ कहाँ से कितना फीस लगेगा। ये है फीस का कुछ प्रोसीजर भाई, मैं आपको क्लियरली एक बार और फिर से बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में आप फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हो तो उसका चार्ज है 1500 रुपये 36 पेज का, अगर 60 पेज का बना रहे हो तो उसका चार्ज है 2000 रुपये, और अगर आप तत्काल कैटेगरी में फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हो तो उसका चार्ज है 3500 रुपये, और अगर आप 60 पेज का बना रहे हो तो उसका चार्ज है 4000 रुपये। और इसी तरीके से अगर आप 15 से 18 साल अगर आपकी एज है तो उसका चार्ज है 1000 रुपये फ्रेश पासपोर्ट का, तत्काल का पासपोर्ट है तत्काल में जाओगे तो उसका 3000 रुपये के आसपास चला जाएगा। तो ये है भाई कुछ, ठीक है आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो और मैंने यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल आपको पीसी में दिखा दिया है। तो स्टे कनेक्टेड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आपको इस चैनल पर पासपोर्ट एंड वीजा से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय।